देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस वालों का सत्ता से बेदखल होने के बाद कुछ संतुलन बिगड़ गया है और वह पूंजीपतियों की बात करते हैं। इस देश के 8 करोड़ वह परिवार जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस का कनेक्शन मिला, वो पूंजीपति थे। इस देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई, वह पूंजीपति थे। जिन गरीबों के पास अपना रहने का घर नहीं था, अपने यहाँ शौचालय नहीं थे और उन गरीबों को घर और शौचालय उपलब्ध कराया गया, वो पूंजीपति थे। 60 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद जो गरीब होने के कारण अपने घर में बिजली नहीं लगवा सका, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से जिन घरों के अंधेरे को दूर कर दिया, वो पूंजीपति थे। 9 महीने कोरोना काल में गरीब अमीर के बीच के अंतर को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो लोगों को निःशुल्क अन्न उपलब्ध कराया, वह पूंजीपति थे। कांग्रेस वाले यह चाहते हैं कि गरीब और गरीब रहे, मजदूर और बर्बाद हो जाए, नौजवानों को रोज़गार ना मिले, किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य ना मिले, और वह सब कुछ हो रहा है। मुख्य रूप से कांग्रेस की बौखलाहट का यही परिणाम है और मैं यह मानता हूं कि जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है, इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा। कोरोना का सेकंड जो स्ट्रेन की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में किस तरह